हेलो एवरीवन, ये जो हम वीडियो शूट करने वाले हैं वो ऑयल पिस्टल के ऊपर है। और ऑयल पिस्टल कैसे करने चाहिए और क्या-क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ड्राइंग मैंने इसलिए बना ली है कि टाइम आपका कंज्यूम ना हो ज़्यादा। तो अगर आपके पास वैक्स कलर टूट जाते हैं, बहुत अक्सर होता है कि बच्चों के पास कलर टूट गया, बच्चे उठा के फेंक देते हैं, तो आपको फेंकना नहीं है, उस कलर को यूज़ करना है। जैसे सपोज़ अभी ये मेरा टूटा नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा छील दे रही हूँ, तो मुझे क्योंकि स्काई में कलर करना है। अगर मेरे पास टूटा हुआ कलर, जैसे सपोज़ ये टूटा हुआ कलर है, ये डार्क है थोड़ा, मेरे को लाइट कलर करना है, इसलिए मैं लाइट कलर ढूंढ रही थी। तो ये देख रहे हैं, एक बार में हम इस तरह से हम कलर कर सकते हैं पूरा का पूरा इस तरह से। तो कितनी आसानी से और कितना जल्दी एरिया कवर हो जाएगा। एक तो जब आप ब्रॉड सरफेस में कलर कर रहे हैं, तो उस समय आप खड़ा करके कलर को मत चलाइए। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा वो है, पतली जगह आ गई, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा हाथ को आराम से चलाएंगे इस तरह से बचाते हुए। और मैंने आपको बताया था स्काई में, वाटर में, लैंड में आप हमेशा हॉरिजॉन्टल कलर ही करेंगे, वर्टिकल नहीं करना। और कभी भी कलर की डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये देख रहे हैं, ऐसे करने में दिक्कत होती है, तो मैं इस कलर को तोड़ ही लेती हूँ। और ये कलर अक्सर टूट ही जाते हैं, आप कितना भी संभल के करें, ये बने ही ऐसे होते हैं। इसमें ऑयल बेस होता है, तो जो कि आसानी से आपका कलर मिक्सिंग हम कर सकते हैं, मतलब उसकी अपेक्षा। वैक्स, जैसे मैंने बताया था कि वैक्स कलर मिक्स नहीं होता, ये हमारे कलर मिक्स हो जाते हैं। और इनको मिक्स करने के लिए हम वैसे तो बहुत सारे टूल्स भी आते हैं, जो कि ये इस तरह के अपने टूल्स देखे होंगे मार्केट में, इनको स्टम्प्स कहते हैं। ये होते हैं, आप टिश्यू पेपर से कर सकते हैं, या ईयरबड से भी आप ये टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं मिक्सिंग के लिए, या ईयरबड यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। तो ये जैसे देख रहे हैं कितनी फटाफट कलर होना शुरू हो गया। तो एक तो आपका कलर प्लेन आएगा, दूसरा फटाफट आपका कलर हो जाएगा। आपको इस बात की यहाँ पे देख रहे हैं, ये कितनी आसानी से कलर भर गया, इतना एरिया हमारा इतनी जल्दी कवर हो गया। और अगर आप सीधा खड़ा करके कलर करने की कोशिश करेंगे, तो एक तो लाइनें बनती चली जाएंगी, दूसरा आपको टाइम भी बहुत लगेगा और वो थोड़ा मैसी सा दिखेगा। कलर की डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, कलर की डायरेक्शन नहीं बदलनी है आपको। जहाँ पे आपको लग रहा है वहाँ कलर लाइट कर दीजिए, कोई बात नहीं, अगर इसके अंदर चला गया वो हमारा आप बाद में मिक्स हो जाएगा आराम से। तो इस तरह से जैसे हमने ये कलर कर लिया, अब आपको अगर इसको मर्ज करना है, तो आपने टिश्यू पेपर लिया, इसको मिक्स करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है। देख रहे हैं इस तरह से कलर आसानी से आपका मिक्स हो जाएगा। ये ब्लू कलर थोड़ा सा मिक्स होने में दिक्कत कर रहा है।
टेप नहीं लगाया, अगर आप टेप लगा लेंगे तो आपको काम करने में आसानी होगी। ये देख रहे हैं, इसको थोड़ा समय बाद में फिनिशिंग दे दूँगी, पहले मैं आगे काम करती हूँ। अभी अगर अब जैसे बलून्स करने हैं, बलून में आप अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं, मैं अलग अलग कलर्स ले रही हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जैसे ये डस्ट हो जाती है कलर की, इसको ऐसे हाथ से नहीं झाड़ना है आपको, इसको या तो खड़े करके ऐसे झाड़ दीजिए या फूंक करके ऐसे करके करिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये आपको हाथ से नहीं करना है, अदरवाइज़ वो फैल जाएगा पूरे में, कलर आपका ख़राब कर देगा। और आपको ये भी पता है कि बलून में शाइन होती है, तो आप उसकी शाइन दिखाने के लिए आप कहीं पे कलर उसको छोड़ सकते हैं, वाइट, उस जगह को वाइट छोड़ दीजिए जहाँ पे आपको शाइन दिखानी है, इस तरह से। आप चाहो तो इसमें डिज़ाइन भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा भी डिज़ाइन बनाना है। अब ये डस्ट है, इसको बहुत से बच्चे इनके रैपर्स उतार देते हैं, आपको इनके रैपर उतारने नहीं है। उसका एक तो ये फ़ायदा होता है कि रैपर्स जो होते हैं, एक तो कलर को प्रोटेक्ट करते हैं, वो जल्दी टूटते नहीं, अगर आप उतार देते हैं तो वो टूट जल्दी जाते हैं। दूसरा, आपस में लग करके कलर्स गंदे हो जाते हैं, ये देख रहे हैं ना, ग्रीन, जैसे ग्रीन लग गया इसमें, तो जब आप कोई भी कलर करेंगे तो कहीं पर भी कलर करेंगे तो देख रहे हैं येलो के साथ ये ग्रीन कलर भी आ रहा है। तो ये कलर ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप कलर्स के कवर को ना निकालें। येलो थोड़ा सा हम शाइन के लिए छोड़ दे रहे हैं, वाइट। आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी शेडिंग देने के लिए मस्टर्ड कलर या कोई दूसरा कलर आप लगा सकते हो। इसको भी मर्ज करना है तो सो
सपोज आपने ये कलर कर लिया, अगर आपको जैसे इसमें कोई डिज़ाइन बनाना है तो आप इसमें वो कर सकते हैं, एचिंग कर सकते हैं, आपके पास स्क्रैच टूल होता है आप उससे कर सकते हैं, या ये स्टम्प से मैं करके दिखा रही हूँ। आप देख रहे हैं, एक तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कलर मर्ज करने आपस में, तो आपको सर्कुलर मोशन में इस तरह से कलर को चलाना होगा, जैसे येलो के साथ ग्रीन मिक्स करना है तो आप इसको सर्कुलर मोशन में चलाइए, और फिर से एक बार इसके ऊपर ग्रीन, मैं लाइट ग्रीन चला रही हूँ इसके ऊपर, तो इस तरह से आप कलर मिक्स करेंगे। अब आपके पास स्क्रैच टूल्स होते हैं, अगर आप चाहो तो इससे स्क्रैच करके आप डिज़ाइन बना सकते हो कोई भी। इस तरह से ये डिज़ाइन बना दिया है, हर एक में अलग अलग डिज़ाइन बना करके आप कोई भी अपनी मर्जी का डिज़ाइन आप चूज कर लीजिए और ड्रॉ कर दीजिए। ये देख रहे हैं, डस्ट को आप हाथ से नहीं झाड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो वो कलर मिक्स हो जाएगा। अब हम इसका, क्योंकि मेरा ब्लैक कलर खो गया है, तो मैं इसको बनाने के लिए पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। पतला काम है इसलिए इसमें कलर ये बनाने के बाद अब हम लड़की में कलर करना शुरू करेंगे। कोशिश करिएगा कि जो गर्ल है इसके ऊपर, अगर आप इस तरह से कलर कर रहे हैं तो कलर चढ़े ना दूसरा। ये करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा वाइट लगा देंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये, क्योंकि ऑयल पेस्टल्स मोटे होते हैं, इसलिए इससे बहुत बारीक काम करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा, तो इसलिए इसमें या तो आप इसको शार्प करिए, शार्प करके चलाइए तो ही इस पे हो सकता है, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। ये मैं पहले बालों में ब्राउन लगा रही हूँ, उसके ऊपर से हम ब्लैक कलर लगाएंगे।
ड्रेस में कलर करने के लिए मैं पिंक कलर ले रही हूँ, ये बेबी पिंक और थोड़ा सा डार्क पिंक। आपको मैंने बताया कि जब हम दो कलर आपस में मिक्स करते हैं तो उसके लिए हमें सर्कुलर मोशन में कलर को चलाना होता है। अब ये जैसे मैंने ये कलर किया है, उसमें हम दूसरा कलर मिक्स करेंगे। और अगर कलर को आप जैसे ये पहले मैंने लगाया था उसके अंदर की तरफ, मतलब बाहर से उसके अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो कलर आसानी से मिक्स हो जाएगा, यानी इस तरह से। जो कलर आपने पहले, जैसे सपोज़ ये कलर मैंने लगाया, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, इस कलर को इसके अंदर इस तरह से ले जाते हुए मिक्स करना है। अब जैसे ये वाइट मेरे को इसमें थोड़ा सा लगाना है, तो इस वाइट को लगाने के लिए मैं इस तरह से मैंने मिक्स किया। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, एक तो सर्कुलर मोशन में कलर को चलाइए ताकि आपका कलर आसानी से मिक्स हो जाए। फिर एक बार कलर लगा लीजिए थोड़ा सा। तो ये इस तरह से हम कलर करेंगे इसको। आईज नोज बनाते समय आपको थोड़ा सा केयरफुली काम करना होगा। बहुत ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। ये स्टम्प से आप कलर मिक्सिंग कर सकते हैं। क्रिस्टल्स की कुछ वैरायटीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कलरिंग की। ये आपने देखा होगा कि हम कलर लगाते हैं उसको किसी भी टिश्यू पेपर से या किसी से भी स्मज करके अच्छे से मिक्स करके और फिर ये टेक्निक करते हैं। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। आजकल ये बड़ा बच्चों में बड़ा पॉपुलर हो रखी है ड्राइंग। और ये भी वैक्स, सॉरी, ये ऑयल पेस्टल में मिक्सिंग किस तरह से करनी है वो एक टेक्निक दिखाई गई है। आपने ये देख रहे हैं, ये आपका सैंड पेपर है। सैंड पेपर पे भी आप ऑयल पेस्टल कलर लगा सकते हैं और उससे भी ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये इस तरह का इफ़ेक्ट आएगा। इसमें आप वैक्स कलर भी यूज़ कर सकते हैं ऑयल ये सैंड पेपर के ऊपर, और उससे भी ड्राइंग कर सकते हैं। और अगर आप वैक्स कलर यूज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा सा थोड़ा मोटा करके अगर आप इसको उल्टा कर लें और किसी कपड़े पे रख दें और ऊपर से आयरन कर दें, तो जो भी आपके कलर्स थे वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो उस तरह से अगर आप जैसे सपोज़ टी शर्ट बनाना चाहते हैं तो उसको पहले आपने सैंड पेपर पे बना लिया
कलर करके, और उसके बाद में उसको उल्टा करके टी शर्ट के ऊपर रख करके उसके ऊपर आयरन कर दिया, तो जो भी कलर होगा वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। और वो टी शर्ट आप आराम से वॉश कर सकते हैं, बस आपको गर्म पानी में नहीं धोना। तो उस तरह से आप टी शर्ट बना सकते हैं। ये कुछ ऑयल पेस्टल, आपको पता है कि एक टेक्निक होती है जिसमें हम पहले ऑयल पेस्टल की लेयर्स लगा देते हैं और उसके ऊपर से हम कोई भी पोस्टर कलर करते हैं, और उसके बाद में इचिंग करके यानी कि इसको स्क्रैच करके हम उसमें डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये मैंने इस तरह से ये डिज़ाइन बनाया है, ये डांसिंग गर्ल बना दी है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और उसमें एक जो एक मैंने मतलब वो किया था, पहले आप जैसे ड्रॉ कर लीजिए और उसमें उसी हिसाब से आप अपने मन मुताबिक कलर लगा लीजिए। आप उस तरह से भी कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ आपको जो कलर चाहिए आपने लगा लिया, और उसके बाद आप उस पे कलर लगा दीजिए, उसके बाद में दोबारा से जब जब आप वो करेंगे उसको स्क्रैच करेंगे तो उससे आपके जो जो कलर आपकी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से बाहर आ जाएंगे। तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह की टेक्निक ये काम करके देखा था, ये बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन हाँ ये भी उसी तरह से करने की कोशिश की थी। तो आप इस तरह से ये बना सकते हैं कि ऑयल पेस्टल की गाढ़े गाढ़े ऑयल पेस्टल लगाए और उसके बाद में उसके ऊपर पोस्टर कलर की एक लेयर लगा दी, और उसके जब वो सूख गया तब आपने उसको ये स्क्रैच टूल्स आते ही हैं ऑयल पेस्टल्स के अंदर, आप उस तरह से उसको स्क्रैच करके निकाल सकते हैं।